आपने कई तरह के स्कूलों और वहाँ बच्चों को दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में सुना होगा, लेकिन हम आपको आज एक ऐसे स्कूल के बारे में बताने जा रहे हैं जहाँ बच्चों से फीस के रूप में मोटी रकम नहीं बल्कि प्लास्टिक का कचरा लिया जाता है। चौंक गए ना? चौंकिए मत, ये सच है। घरों से निकलने वाला कचरा जिसे बेकार समझकर फेंक दिया जाता है, वो स्कूल में बच्चों की फीस के तौर पर प्रयोग में आ रहा है, और ये हो रहा है असम के एक स्कूल में। दुनिया में प्लास्टिक की समस्या दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है। सिर्फ भारत में ही हर दिन 26,000 टन प्लास्टिक कचरा तैयार होता है, जो पर्यावरण के लिए गंभीर समस्या बनता जा रहा है। इस समस्या से निपटने के लिए असम के पमोही में अक्षर स्कूल ने अनोखी पहल की है। ये स्कूल छात्र छात्राओं से फीस के बदले सिर्फ प्लास्टिक का कचरा लेता है। यहाँ पर पढ़ने के लिए आने वाले बच्चों को अपनी स्कूल की फीस के तौर पर हर हफ्ते प्लास्टिक की 20 चीजें जमा करनी होती है। प्लास्टिक की ये चीजें बच्चे अपने घर या आसपास के इलाके से लाकर स्कूल में जमा कराते हैं। बच्चे स्कूल में जो वेस्ट प्लास्टिक आइटम जमा करते हैं, स्कूल प्रबंधन उसका बेहतर इस्तेमाल करता है। बच्चों को इसी वेस्ट प्लास्टिक को रिसाइकल करने की तरकीबें भी बताई जाती हैं। स्कूल के बच्चे प्लास्टिक की थैलियों को प्लास्टिक की बोतलों में भरकर इको ब्रिक बनाते हैं, जिसे स्कूल के लिए नया भवन, टॉयलेट या फिर सड़क बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। यही नहीं, बच्चों को इस काम के लिए पैसे भी मिलते हैं। असम के स्कूल में अभी 100 से ज्यादा बच्चे पढ़ने आते हैं। स्कूल में बच्चों को प्लास्टिक से सेहत और पर्यावरण को होने वाले खतरों के प्रति भी सचेत किया जाता है। एक तरफ जहां प्लास्टिक कचरा फीस से न सिर्फ स्थानीय पर्यावरण सुधारने में मदद मिल रही है, वहीं ये स्कूल प्लास्टिक का कचरा खत्म करने की दिशा में एक मिसाल पेश कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV।